अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल डेली जॉब इन्फो। दोस्तों आज मैं आप लोगों के साथ ज़बरदस्त वैकेंसी शेयर करने वाला हूं। पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन में दोस्तों नई वैकेंसीज आई हैं। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से ये नई वैकेंसीज आई हैं। दोस्तों किस पोस्ट पे हैं, क्या क्वालिफिकेशन है, आप लोगों ने कैसे अप्लाई करना है, अप्लाई करने की आखिरी तारीख क्या है, आज मैं आप लोगों को मुकम्मल तफसील के साथ बताने वाला हूँ। वीडियो में आगे जाने से पहले मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूं कि जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ बेल वाले आइकन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि हर नए आने वाली वैकेंसीज या इन्फॉर्मेशन आप लोग तक पहुंच सके। इसमें दोस्तों सबसे पहली पोस्ट है सीनियर साइंटिस्ट की, सीनियर साइंटिस्ट फिजिक्स। इसके लिए तालीमी काबिलियत पीएचडी फिजिक्स में और साथ रेलिवेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज होनी चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए। उससे अगली पोस्ट है सीनियर इंजीनियर या सीनियर साइंटिस्ट। इसमें तालीमी काबिलियत पीएचडी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में या टेलीकॉम इंजीनियरिंग में या फिर आरएफ कम्युनिकेशन में या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में या फिर दोस्तों अगर आप लोगों ने एमएस फर्स्ट डिवीज़न के साथ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में किए तो फिर भी आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट पोस्ट है सीनियर साइंटिस्ट। इसमें प्लांट बायोलॉजी, जीनोमिक्स, ह्यूमन मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स या जीनोमिक्स और इंडस्ट्रियल बायोटेक्नोलॉजी की वैकेंसीज हैं। इसके लिए दोस्तों तालीमी काबिलियत पीएचडी प्लांट मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में विद साथ तजर्बा होना चाहिए रेलिवेंट, और इन तमाम यानी कि चारों फील्ड में मुतलका पीएचडी होनी चाहिए और साथ रेलिवेंट तजर्बा होना चाहिए। नेक्स्ट पोस्ट है सीनियर मेडिकल ऑफिसर। इसमें दोस्तों ऑन्कोलॉजी, रेडियोलॉजी, हिस्टोपैथोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, कार्डियोलॉजी, ईएनटी, ऑप्थाल्मोलॉजी, गायनेकोलॉजी, प्लास्टिक या वेजिकुलर सर्जरी, एमरजेंसी मेडिसिन, क्लिनिकल हेमाटोलॉजी, न्यूक्लियर मेडिसिन, न्यूरोफिजिशियंस, न्यूरोसर्जन, जनरल मेडिसिन, एनेस्थीसिया, नेफ्रोलॉजी, आर्थोपेडिक्स, यूरोलॉजी, पैथोलॉजी, जनरल सर्जरी और लास्ट पर दोस्तों पेडियाट्रिशियन की वैकेंसीज हैं। इन सब के लिए दोस्तों तालीमी काबिलियत पीएचडी के एमबीबीएस के साथ पोस्ट ग्रेजुएट क्वालिफिकेशन ऑफ एफसीपीएस या फिर इसके बराबर की फेलोशिप। नेक्स्ट पोस्ट है मेडिकल ऑफिसर। इसके लिए तालीमी काबिलियत एमबीबीएस फर्स्ट डिवीजन के साथ और साथ एक साल का हाउस जॉब एक्सपीरियंस। नेक्स्ट है जूनियर साइंटिस्ट। इसमें दोस्तों सॉइल साइंसिस, एंटोमोलॉजी, प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स, बायोकेमिस्ट्री, एनिमल साइंसेस या डीवीएम, बॉटनी और प्लांट फिजियोलॉजी की वैकेंसीज खाली हैं। इसके लिए तालीमी काबिलियत बीएस 4 साल डिग्री या फिर एमएससी फर्स्ट डिवीजन के साथ रेलिवेंट फील्ड में। नेक्स्ट है जूनियर साइंटिस्ट मेडिकल फिजिक्स। इसके लिए तालीमी काबिलियत एमएस 18 साल की एजुकेशन, कम अज़ कम फर्स्ट डिवीज़न के साथ मेडिकल फिजिक्स में। नेक्स्ट पोस्ट है चाइनीज़ इंटरप्रेटर। इसके लिए दोस्तों तालीमी काबिल बैचलर डिग्री 4 साल डिग्री चाइनीज़ लैंग्वेज में विद मिनिमम एक साल का ट्रांसलेशन का एक्सपीरियंस हो। नेक्स्ट है अकाउंट ऑफिसर। इसके लिए तालीमी काबिल एम कॉम या एम बी ए या फिर पोस्ट ग्रेजुएट या फिर बी बी ए 4 साल डिग्री फाइनेंस या अकाउंटिंग में, कम अज़ कम फर्स्ट डिवीज़न के साथ। अगली पोस्ट है लॉ ऑफिसर। इसके लिए दोस्तों तालीमी काबिलियत लॉ ग्रेजुएट प्रेफरेबली यानी कि जिन लोगों ने लॉ ग्रेजुएट की होगी उन लोगों को तरजीह दी जाएगी कम अज़ कम फर्स्ट डिवीज़न के साथ। नेक्स्ट पोस्ट है हतीबे आला टू। इसके लिए तालीमी काबिलियत एम ए फर्स्ट डिवीज़न के साथ इस्लामियात में या फिर अरेबिक में विद दर्स निज़ामी और साथ रेलिवेंट तजर्बा होना चाहिए 10 साल का। लास्ट पे है दोस्तों जूनियर एग्जीक्यूटिव वन अकाउंट्स।
इसके लिए तालीमी काबिलियत एम काम या एम बी ए या फिर पोस्ट ग्रेजुएट या फिर बी बी ए 4 साल डिग्री अकाउंट्स या फिर फाइनेंस में फर्स्ट डिवीज़न के साथ। और लास्ट पे दोस्तों रिक्वायरमेंट में मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि पूरे करियर में आप लोगों की कोई भी थर्ड डिवीज़न ना हो, फर्स्ट डिवीज़न वालों को तरजीह दी जाएगी। फर्स्ट डिवीज़न मीन्स मतलब दोस्तों आप लोगों के कम अज़ कम 60% नंबर हों। इसके अलावा दोस्तों सिलेक्टेड उम्मीदवारों को कहीं भी पाकिस्तान में तैनात किया जा सकता है, पूरे पाकिस्तान में, पूरे पाकिस्तान से आप लोग घर बैठे ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। गवर्नमेंट इदारे में काम करने वाले उम्मीदवार अपने इदारे के थ्रू अप्लाई करें और टेस्ट या इंटरव्यू को अपना NOC साथ लाजमी लेके जाएं। मुझे दोस्तों आप लोगों को बताता चलूँ कि टेस्ट या इंटरव्यू के लिए जाने वाले उम्मीदवारों को कोई TA DA नहीं दिया जाएगा। आप लोगों ने ऑनलाइन अप्लाई करना है वेबसाइट के थ्रू, इसका लिंक मैं आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अप्लाई करने का तरीका क्या दोस्तों, 17 नवंबर से लेकर 8 दिसंबर तक आप लोग ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म की सहूलत 17 नवंबर से मैसर होगी वेबसाइट पे। यहाँ पे जो लास्ट पे लिंक दिया गया है, इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ताकि आप लोग जस्ट आप लोग क्लिक करें तो आप लोगों के पास सामने वो ओपन हो जाए, आप लोग आसानी से ऑनलाइन अप्लाई कर सकें। तो दोस्तों ये थी वैकेंसीज जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की हैं, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से ये वैकेंसीज आई हैं। पूरे पाकिस्तान से आप लोग घर बैठे ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा तादाद में दोस्तों ये वैकेंसीज आई हैं। अगर आप लोगों को हमारी ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और मज़ीद इस तरह की वैकेंसीज और इंफॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल डेली जॉब इन्फो को सब्सक्राइब करें। यहाँ पर दोस्तों वेबसाइट आप लोगों के सामने मौजूद है, इसका लिंक मैं आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। यहाँ पे करियर्स के ऑप्शन है, आप लोगों ने इस पे क्लिक करना है। यहाँ का जो लिंक है दोस्तों मैं आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन में कॉपी कर दूंगा, ताकि आप लोग आसानी से यहाँ पे आके अप्लाई कर सकें। क्योंकि आज 16 नवंबर है, 17 नवंबर से यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म की सहूलत में असर होगी। 17 नवंबर से लेकर आप लोग 8 दिसंबर तक पूरे पाकिस्तान से घर बैठे ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त मौका है दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा तादाद में ये वैकेंसीज आई हैं। अगर आप लोगों को अप्लाई करने में कहीं भी मसला पेश है तो आप लोग मुकम्मल रहनुमाई ले सकते हैं। अगर आप लोगों को हमारी ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और मज़ीद इस तरह की वैकेंसीज और इंफॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल डेली जॉब इन्फो को सब्सक्राइब करें। दोस्तों हमारे चैनल डेली जॉब इन्फो पर रोज़ाना की बुनियाद पर पूरे पाकिस्तान के हवाले से जॉब की इंफॉर्मेशन अपडेट की जाती है, लिहाजा मजीद अपडेट्स और इंफॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियोस को लाइक करें। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।